रोमन के राजा जूलियस सीजर ने जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले कई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर बनाया था। सोच रहे थे कि न्यू ईयर में लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन आज लखनऊ के इन कांडी लड़कों को देखकर उनकी आत्मा भी कब्र में छटपटा गई होगी। कह रहे होंगे कि नासपीटो, इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि तुम लोग न्यू ईयर पार्टी के चक्कर में ट्रक चोरी कर लो, और वो भी मोरंग समेत। अरे लोग चीनी खाते हैं, तुमने तो बोरी ही फाड़ दी। तो हुआ ये कि गोसाईगंज में 7 कांडी लड़के 31 दिसंबर की रात पार्टी कर रहे थे। जैसे ही 2-4 बोतलें खत्म हुई, किसी ने कह दिया कि तेरा भाई और पार्टी करेगा। फिर क्या था, 7 ने ठान ली कि पार्टी अब भी चलेगी। लेकिन पार्टी चलाने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। लेकिन 7 के जेब में झाड़ फूंक कर कुल 45 रुपये निकले। अब 7 लोगों को अगर दम भर पार्टी करनी हो तो 45 रुपये में क्या ही होता है। फिर इनमें से जो सबसे ज्यादा टल्ली था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना ट्रक लूट ली जाए। बाकी पहले ही सोमरस और नॉनवेज की वजह से अपने दिमाग की आहुति दे चुके थे। बहरहाल किसी ने बात बढ़ाने की या समझाने की कोशिश नहीं की और निकल पड़े चमचमाती कार में ट्रक लूटने। इन्होंने पहले तो एक पुराने ट्रक को टारगेट किया जिसमें GPS सिस्टम ना हो, फिर ट्रक के ड्राइवर को उतारा और गाड़ी अपने साथ ले गए। आदमी इतने अच्छे थे कि ट्रक के साथ साथ खलासी को भी अपने साथ उठा ले गए। पुलिस की माने तो सब मिलकर ट्रक को दुबग्गा मंडी में छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में रहेगा कंकर तो क्या करेंगे भोले शंकर। कुछ देर बाद दम भर दारू पीने के बाद इनके दिमाग में ट्रक में लदे मोरंग बेचने का ख्याल आया, और वहीं मूर्खों ने गलती कर दी। दूसरी तरफ ट्रक चोरी की खबर ड्राइवर ने गोसाईगंज थाने में दी और पुलिस ने तुरंत टीमों की गठन कर दी, और महज कुछ घंटों में ही 7 दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और अब यूपी पुलिस बॉन फायर के साथ चखने में प्लास्टिक की लाठी लेकर इनके साथ न्यू ईयर मनाने की तैयारी में है। दिनांक 31/1 की रात को थाना गोसाईगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र स्थित गोसाईगंज मोहनलालगंज रोड पे गणेश धर्मकांटा के पास एक ट्रक चालक के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो एक काली रंग की कार से आ रहे थे, उनको रोक के उनको उनके ट्रक से उतार दिया गया है और उनके परिचालक को अपने साथ ले गए हैं, साथ में ट्रक भी ले गए। इस सूचना पर तत्काल गोसाईगंज टीम रवाना हुई। वहाँ पर उच्च अधिकारी दलों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और इस पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान इसमें 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना गोसाईगंज की टीम, सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन और CP महोदय की क्राइम टीम को भी इन्वॉल्व किया गया। टीम द्वारा कैमरे देखना और सर्विलांस डेटा कलेक्ट किया गया और अथक प्रयासों के द्वारा 2 तारीख को हमें ट्रक में सामान के साथ बरामद हो गया। इसी क्रम में आगे जाँच करते रहे। जाँच में हमारे द्वारा कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 1 बाल अपचारी है। इनके कब्जे से 1 नेक्सॉन गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त करी गई थी, 4500 रुपये नगद और 6 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए पैसे जुगाड़ने के लिए घटना को इन्होंने कारित किया था। इनके द्वारा एक जानबूझ के पुराना ट्रक चुना गया जिसमें इनको था कि इसमें GPS सिस्टम नहीं होगा। उस आधार पर ये वहां से ट्रक को ले गए और दुबग्गा मंडी में उसको मोरंग को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जहां ट्रक फंस जाने के कारण इन्होंने ट्रक को वहीं छुपा दिया था ताकि उसको बाद में बेच सकें। इसमें मुख्यतः 7 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त हैं, जिसका एक का नाम विकास रावत है जिसके पूर्व में 4 मुकदमे इन पर दर्ज हैं, और दूसरा अभिषेक यादव है जिसमें 3 मुकदमे दर्ज हैं जो पहले लूट में जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये आपस में 7 इंटरलिंक कैसे हैं सर, दोस्ती कैसे हुई? ये सब आपस में रहते हैं, एक दूसरे के दोस्तों के थ्रू कॉमन उससे कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, और साथ में ये पार्टी कर रहे थे 31 तारीख को। जब इनके पैसे खत्म हो गए तब इन्होंने प्लान बनाया कि और पैसे के लिए कहीं पर लूट की घटना कर लेते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सत्यम मिश्रा, UP तक।